वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वी फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और 1/2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे टॉप के लिए हमें मार्किंग करनी है। तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और हमें लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 8 इंचेस, हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 10 इंचेस। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 1.5 इंचेस। नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एज इट इज़ हमें बेस फैब्रिक कट कर लेने हैं। तो देखिए हमने बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं पार्ट को सीधा इसके ऊपर रखते हुए। तो यहाँ पे एक कोराइट रखते हुए दूसरे इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे, आर्म होल में और नेक पार्ट में सिलाई करेंगे इस तरीके से दोनों पार्ट्स में। अब यहाँ पे इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे हम। जहाँ भी हमने सिलाई की है वहाँ पे, यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है। तो सेकंड फैब्रिक से हमने 2 रेक्टेंगल पीस यहाँ पे कट किए हैं और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है। तो देखिए हमने दोनों साइड पे सिलेक्ट कर ली है और वापस हमें इस राइट साइड में टर्न कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इस राइट साइड में टर्न कर लिया है और यहाँ पे इसे सेंटर से हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद इस तरीके से हमें 1 by 1 फोल्ड करते हुए सेंटर पे हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए हमने इस तरीके का बो यहाँ पर रेडी कर लिया है और इस तरीके से रिंग भी यहाँ पे हमने रेडी कर ली है और इसे राइट साइड में टर्न करेंगे हम। तो इस तरीके से हमने वो रेडी कर लिया है और इसे यहाँ पे हमने जो ओपन पार्ट रखा है इसे यहाँ पे ओपन कर लेना है और इस तरीके क्रॉस में हमें आर्म होल पे इसे आर्म होल के साथ मिलाते हुए पार्ट को इस तरीके से अरेंज करना है हमें। और इसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमें इस तरीके से अच्छे से मिलाना है मेन फैब्रिक के साथ और यहाँ पे आर्म होल में हमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है इस तरीके से और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो का इसे यहाँ से हमें रिमूव कर देना है, कट कर लेना है और वापस हमें इसे राइट साइड में टर्न करना है। तो इस तरीके से
एक को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, और वो का जो सेकंड एंड है इसे यहाँ पे राइट साइड में हमें इसे फिक्स करना है। इस तरीके से, और यहाँ पे बैक का पार्ट भी हमें राइट साइड में टर्न कर लेना है। और इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई करनी है दोनों शोल्डर को। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। पैटर्न को अच्छे से यहाँ पे अरेंज करना है क्रॉस में। अब यहाँ पे फैब्रिक को हमें अरेंज किया है। तो 6 इंचेस डाउन पे हम मार्क करेंगे। और इस तरीके का हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। इस तरीके से फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे हम सेकंड पार्ट से, और इससे हमें कट कर लेना है। देखिए हमने इसे कट कर लिया है इस पार्ट को। और प्लेन फैब्रिक को भी यहाँ पे हमें कट कर लेना है पार्ट को स्लाइस के ऊपर रखते हुए। ये देखिए हमने बेस फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है दोनों पार्ट्स के लिए। और इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई करेंगे राउंड शेप में। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है राउंड शेप में, और वापस हमें इस राइट साइड में टर्न कर लेना है। दोनों पार्ट्स यहाँ पे रेडी करेंगे हम इस तरीके से। और यहाँ पे सेंटर से 1.5 इंचेस लेफ्ट और राइट हमें मार्किंग करनी है फ्रंट और बैक पे, और मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है पैटर्न को। और यहाँ पे ऊपर से सिलाई करते हुए आर्म होल पे हमें इसे अटैच कर लेना है इस तरीके से। और इस तरीके की 2 यहाँ पे हमने पैटर्न दोनों साइड पे रेडी कर ली है। टॉप का पार्ट हमारा रेडी है, और बॉटम के पार्ट्स के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं। 2 रेक्टेंगल पीस दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं यहाँ पे, जिसकी प्रॉडनेस हमने ली है 38 इंचेस और 55 इंचेस, और लेंथ हमने ली है 22 इंचेस। अपर बॉर्डर पे बटन नंबर की सिलाई करेंगे हम दोनों पार्ट्स पे मेन और बेस पे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है, और एक धागे को अलग करके हल्के हाथ से खींचना है, और पूरी ब्रॉडनेस में हम गैदरिंग करेंगे। और बॉटम के दोनों पार्ट्स यहाँ पर रेडी करने हैं। ये देखिए हमने मेन और बेस को यहाँ पे गैदरिंग कर लिया है, बॉटम के दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं, और दोनों को अच्छे से अरेंज कर लिया है हमने मेन और बेस को। अब यहाँ पर टॉप का पार्ट जो बनाया है इसे यहाँ पर उल्टा रखना है इस तरीके से, और टॉप और बॉटम हमें जॉइंट कर लेना है 1 बाय 1। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं हमने इस तरीके से। और यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो 1 बाय 1 हमें 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई करनी है और इससे फिटिंग कर लेना है। और फ्रॉक की जो नीचे वाले बॉर्डर है इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है, और इसी के साथ ये डिज़ाइनर वेब फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।